ओके तो ये हमारे पास डाइजेशन वाले चैप्टर की की पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि द टीथ द चीविंग प्रोसेस बाय टीथ इज नोन हैज दिस प्रोसेस इज नोन हैज मास्टिकेशन। और फिर आपके पास है कि द सलाइवा कंटेन सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। थर्ड वन है कि इन दीज देयर एनी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फैट, नहीं वहां पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, फैट और इनकी डाइजेशन नहीं है। लिंगुअल लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय इबनर ग्लैंड, ठीक है, व्हिच इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। दो एमसीक्यूज है, लिंगुअल लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय इबनर ग्लैंड, या इबनर ग्लैंड सेक्रेट लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। फिर लोकेशन की, विच इज लोकेटेड कहाँ पे, डार्सल लेटरल, तो डार्सल सरफेस किसका, टंग का, ठीक है। द स्वेलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, स्वेलिंग प्रोसेस में आ जाता है ओरल फेरेंजियल ओसोफेगल, ठीक है। और फूड ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक इन अबाउट तो 4 to 8 सेकेंड लगते हैं। द सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टॉल्सिस। द सेमी डाइजेस्टिव सॉफ्ट फूड इन द स्टमक, स्टमक में फिर इसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी में बोलस कहते हैं, और फिर इंटेस्टाइन में काइल कहते हैं। द एम्प्टी स्टमक हैज अ वॉल्यूम ऑफ, एम्प्टी स्टमक का 50 मिलीलीटर है, 50 ml, और फुल मील स्टमक में ऑलमोस्ट 4 लीटर तक भी जाता है, ठीक है। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड फर्स्ट सेगमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपके पास क्या कहलाता है, ड्यूडिनम है। द रीजन वेयर इसोफेगस एम्प्टी इनटू स्टमक, वो रीजन आपके पास कौन सा रीजन है, कार्डियक रीजन, ठीक है। और द एक्सपेंडेड एरिया कर्विंग अप अबाउ द इसोफेगल ओपनिंग इज कॉल्ड, वो एक्सपेंडेड एरिया आपके पास क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। द सेंट्रल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बॉडी। और द नैरो एंड ऑफ द स्टमक दैट जॉइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है, पाइलोरस, नैरो एंड लास्ट वाला, ठीक है। और द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट अबाउट 400 से 800 ml ऑफ जूस। इन लिस्ट द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल बताएं। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ये क्यों नहीं कर रहा काम, इसमें मैं होम में चला जाता हूँ। हाँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो पहले इसको रेस कर लेते हैं, 17 से हमने जाना है, ठीक है। ये होम हो गया 17। हाँ, ये इनलिस्ट द गैस्ट्रिक ग्लैंड, इनलिस्ट द सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपके पास कौन कौन से सेल आ गए, पैराइटल सेल, ठीक है, आपके पास चीफ सेल, हार्मोन सेक्रेटिंग सेल, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, ठीक है। फिर है कि हार्मोन सेक्रेटिंग सेल ऑफ द स्टमक, फिर हार्मोन सेक्रेटिंग सेल में कौन कौन से सेल आ जाते हैं, डी सेल हैं, ठीक है, जी सेल है, आपके पास इंटीरोक्रोमोफिन सेल्स हैं। The D cell of the stomach, वो क्या करता है, किस चीज को secrete करता है, D cell of the stomach somatostatin, which inhibit, फिर वो acid को inhibit करता है, ठीक है। और G cell of the stomach secrete, वो किस चीज को secrete करता है, G cell gastric, which stimulate acid, G cell ये हो जाएगा gastric, which stimulate acid। फिर enterochromaffin cell of the stomach secrete, वो फिर क्या secrete करते हैं आपके पास, the secrete histamine, ठीक है। फिर ये एसिड है, द पैराइटल सेल सेक्रेट HCL एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल ये बुक लाइन है। इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ प्रोटीन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। द चीफ सेल सेक्रेट, चीफ सेल क्या सेक्रेट करता है, पेप्सिनोजिन, ठीक है। प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन इज कॉल्ड
प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन भी आपके साथ क्या कहलाते हैं, पेप्सिनोजिन कहलाते हैं। पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है। ये किस चीज से कन्वर्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ HCl। द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है। एस्पिरिन एंड एथेनॉल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम, तो दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। द हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन कहलाता है हार्मोन। द गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशन इज कंट्रोल बाय, सो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीशन इज कंट्रोल बाय केमिकल कंट्रोल भी है और नर्वस कंट्रोल भी है, ठीक है। गैस्ट्रिन ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोटीन इन द फूड और द लेंथ ऑफ द ड्यूडिनम इज 10 इंचेस लेते हैं, ठीक है। फूड टेक स्टमक में, स्टमक टू ड्यूडिनम यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको मैं फिर नीचे कर लो, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि वो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर आएंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास कितना है, कौन सा MCQ था, ये 34 वाला, ठीक है। तो 17 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू डैश पॉट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पॉट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, ठीक है। द 3 पॉट्स ऑफ द स्टमक, स्टमक नहीं 36 है ना, स्टमक नहीं होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। द 3 पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं, ड्यूडिनम हो गया, जीजिनम हो गया, इलियम हो गया, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल ड्रेन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट विच सेगमेंट, सो ड्यूडिनम पे ये होते हैं। और माल्टेज लैक्टेज एंड सक्रेज आर सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन ऑफ पेनक्रियास, तो दे आर सेक्रेटेड बाय, अच्छा ये कौन इनको सेक्रेट करता है, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास, तो दे आर सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs होंगे वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।